मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सीखा है आपसे सीखा है, गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वार फिल्म। देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात ये है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले है या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरत के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है।
फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की, तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार, जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वह बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाया है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन डी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो है जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वह बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है। नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है? नंबर 2, फिल्म के आखिर में वॉर कौन जीतने वाला है? नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और? नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है? फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद
रोहित को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कौन पकड़ा कर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कौन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेडली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज 2 दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं सब हॉलीवुड के लेवल के हैं। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे। इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पेक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो जो आते ही फिल्मों में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी क्योंकि जब करण अर्जुन यानी कि सलमान शाहरुख आए तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। We'll be right back.
वेल एब्सोल्यूटली आई थिंक हर माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है एंड आई एम जस्ट सो अमेज्ड विद द ओनर्स एंड फाउंडर्स ऑफ स्लर्प फार्म टू एक्चुअली कम अप विद अ ब्रांड दैट्स हेल्दी हैज सो मच वैरायटी फॉर आवर लिटिल वंस एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट बिकॉज यू नो आई जस्ट फील दैट स्लर्प फार्म हैज कनेक्टेड मी सो मच मोर विद माई चाइल्ड यू नो बिकॉज ऑफ ऑल हिज एक्साइटिंग मील टाइम्स So I'm glad I'm a part of this event and I just love what they've done and it's amazing what they've come up with really Sorry hum dekh rahe ki aaj bahut sari mothers aayi hai bahut sare actors ho rahe making of pancakes yeah if you would like to see such type of events are like how much I think it's very exciting for mothers also actually you know बच्चों को थोड़ा फादर्स कैन टेक केयर एंड मदर्स कैन ऑल्सो इन्जॉय एंड एट द सेम टाइम डू वॉट दे लव एक्सपेरिमेंट यू नो मेकिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर देयर लिटिल वंस इन फैक्ट मैंने स्लर्प फार्म का पैनकेक मिक्सचर ट्राई किया इट्स जस्ट सो क्विक इतना फटाफट बन जाता है एंड इट्स डिलिशियस इट्स हेल्दी सो आई थिंक दे हैव जस्ट टारगेटेड द राइट यू नो काइंड ऑफ मिक्सचर्स फॉर द लिटिल वंस एंड इट्स अमेजिंग आई थिंक अभी आरव दो का भी नहीं हुआ है तो मैं टिप्स लेने वाली हूँ ना कि देने वाली हूँ बट जब आप एक माँ बन जाते हो आई कैन जस्ट से वन थिंग दैट योर एंटायर वर्ल्ड चेंजेस यू चेंज द वे यू लुक एट अदर वुमेन चेंजेस क्या आप भी एक माँ हैं नहीं आई एम टेलिंग यू इट चेंजेस योर वर्ल्ड योर लाइफ फॉर द बेटर एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड टू मीट ऑल दीज अमेजिंग मॉम्स यू नो आई थिंक जब हम छोटे थे उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था यू नो एज अ मदर बट नाउ आई इट्स जस्ट अमेजिंग दैट दे गेट ऑल द लव रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर ऑल द थिंग्स दे डू फॉर एवरीथिंग या Well, I'll do my best so he understands and he enjoys every festival. Like even the kite flying, baby, मैं terrace पे ले गई थी. Otherwise, I would never do it. You know, like terrace पे जाके actually पतंग उड़ाना. But I wanted Arav. He's not even two, but I wanted him to experience it. So I am glad that motherhood has come in. क्योंकि इसी चक्कर में हम अपने life को इतना ज़्यादा enjoy करते हैं. ऐसे लग रहा है कि मैं अपना बचपन उसके थ्रू जी रही हूँ वेल आई जस्ट एंटर्ड इन नागिन फॉर द फिनाले सो ये शुरुआत है आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स बिकॉज माई बेबी इज़ एट होम आई एम वेरी बहुत मुझे एंग्जाइटी और पैनिक होता है यू नो व्हेन आई लीव हिम एंड गो सो इट्स टफ इट्स अ फेज आई विल गेट ओवर इट बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम ग्रेट वर्क स्लो स्लो स्टेडी स्टार्ट I swear, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा बट आई एम श्योर दे आर ऑल किलिंग इट आई विश देम ऑल द लक एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन ऑल द मामा सुपर प्राउड ऑफ यू यू गाइज आर अमेजिंग आप लोग इतना कुछ करते हो अपने बेबीज के लिए सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डू ट्राई स्टफ फ्रॉम स्लर्प फार्म बिकॉज दे हैव सम अमेजिंग एंड क्विक you know dishes that you can cook for your little one
Yeah.
एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वार फिल्म। देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात ये है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए है। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले है या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरत के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है।
विशाल शेखर ने जय जय शिवशंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार, जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वह बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाया है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन डी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो है जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वह बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है। नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है? नंबर 2, फिल्म के आखिर में वॉर कौन जीतने वाला है? नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और? नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है? फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है? कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है?
वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कौन पकड़ा कर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कौन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेड सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज 2 दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं सब हॉलीवुड के लेवल के हैं। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे। इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पेक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो जो आते ही फिल्मों में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी क्योंकि जब करण अर्जुन यानी कि सलमान शाहरुख आए तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। You know, I thought this was a big lie. Like, I'm like, why do they go on about these pregnancy cravings? Why am I not having any? Because I didn't. Honestly, I didn't. But then came one stage where I was getting obsessed with vada pav. Like, I just wanted to dabao vada pav as much as I could. So I had a lot of vada pav. And luckily, living in Mumbai, it's not very hard. So yeah, vada pav it was. Nice. What's your biggest kitchen goof up? I've not really goofed up that much in the kitchen because I'm very prepared. Like, I'll follow a recipe and I'll measure things. I'll keep them ready. So I'm not just going to go there and just
try doing it. I mean, I have done that once, and that wasn't so bad either. That's maybe okay. I'm just good. I'm just a good cook. Exactly, own it. Why not? So we all know you're a super talented actor, but what is your one hidden talent that nobody knows about? I don't remember names. I forget them instantly, like almost instantly. But I don't forget faces. Nice. I might have met you 15 years ago, nice, just for like 3 minutes, but I won't forget your face. And I don't know if how that's a talent. Maybe in the law enforcement agencies, they might find that a huge talent. But doesn't really help me in life. But yeah, that's my talent. I don't forget faces. That's so scary though, because you're like, yes, I remember you, but yes. I don't remember your name. What are the 5 must-haves that are always there in your bag? Do people really care for these, like this particular answer? Really? Must-haves in your bag? Really? I always wondered, you know, when you ask these questions before film promotions, I'm like, do you really want to know what's in my bag? Like, why would you care? You have to see the questions that came actually when there was a Ask Anushka Anything. Yeah. Genuinely. They wanted to know what's in my bag? Yeah, people asked all kinds of things. Right. These are the best ones we picked. So, what's in my bag? Wallet? Nothing different from your bags. Like, it's pretty much the same thing. A wallet, a lip balm. This is where you say I have Slurp Farm in my bag. Yeah. And I just always carry a packet of millet noodles. You don't know when you might need to make some. We're just kidding. Sunglasses and... I want to say house keys because I want to sound very relatable, but I don't have house keys in my bag. So what's there? Cell phone. Yeah, there you go. Okay, cool. If you had to pick a soundtrack for your life right now, which one would it be? Trust in the Heart. That's my soundtrack. Trust in the Heart. Okay, and this is a really easy one. What was your last Google search? It's like, I can't say. I can't tell you the right answer. No, I'm wondering. I think it was the time it would take me to get to this place. I didn't want to be late. You see, I was bang on time. So yeah, No, you're always, last time you were early. It was impressive. I was early here. Now also, I was waiting there. I've become very, I mean, I was always punctual and disciplined, but after having a child, I'm even more so. Bless. Okay. I guess it helps now when you're following somebody else's timetable. Yes. You're more on time. Okay. Thank you for that. I think that they have a plan where there were genuinely a lot of questions. There were some 400 questions when we said, ask Anushka anything. And there are people who are going to answer them. So Maria is going to help you choose who's going to answer the questions that were chosen from the audience. Tic-tac-toe. So, okay, so she knows. She looks like she knows what's, she knows. There you go. Okay. So where are the mums? So we need to send the mic around. You've sent it? Done. Okay, there. You're going to have to start by giving us your name and where you're from. Can you hear me? Yeah. Absolutely. So, hi, I'm Tanya, and I'm from Gurgaon. And I'm a mom to a 2.5-year-old daughter. Her name is Noor. And I'm an Instagram mom blogger. So, Anushka, my question to you is that why do you think that there's a need to switch from a traditional meal system to like a healthy multigrain based food for all age groups, not just children?
Sorry, I didn't get your name. Tanya. Tanya. Hi, yes. Tanya. Hi. In reality, I think multigrains have been a part of our Indian traditional dishes for, I mean, I don't even know since when, since ever. I remember my mom fed me a lot of ragi when I was growing up because my mom's from Uttarakhand and they eat ragi rotis. They call it kodu there. Then, you know, we've grown up eating bajre ki roti and, you know, I think it's just been part of our food forever. It's good because I feel like millets are nutrient dense. They are lighter on your system. So I think it's something that one should eat more of in your diet and eat as much as, you know, you can. Thank you so much. So do we have another mom from the audience? Oh, there. Yes. Firstly, hi, Meghna ma'am, Shauri ma'am, and Anushka ma'am for the great opportunity for all the moms. It's so encouraging for a creator when you get recognition from the brand. And my question is, ma'am, what's your favorite product from Slurp Farm and what made you to invest in Slurp Farm? See, I've always been somebody who believes in being healthy and having a healthy lifestyle, and what you eat is a, you know, huge part of that. So for me, trusting a brand that sort of champions that is what attracted me to Slurp Farm. In fact, I was already using Slurp Farm products even before we got in touch, and I think that's the first conversation we had, you know, when we had a Zoom meeting. Right? I remember I was in South Africa. Yeah, we had a Zoom meeting and I was just like telling them that, you know, how I've looked at the products and always thought like, oh my God, this is such a good brand. I started buying these things. And in fact, I remember when my team came up to me and they, you know, spoke to me about the two of them being interested in collaborating with me. I said, this is so crazy that I was thinking about the same thing and somehow we've just, you know, come together. And like, I kid you not, that's exactly what happened. So they champion a healthier lifestyle. And also because I feel like I said earlier, millets, they need a lot more attention. It's been part of our, you know, our diet, Indian diet, and we have to claim that, right? Like we have... it's just natural to do that for us. So I think that is something that really attracted me. And then talking to these ladies, I just realized that, you know, they are really, really positive. They have some great ideas and they were always willing to listen to my feedback. And I think that was also something that was really, they encouraged me to give my feedback to them constantly. So I just thought it was just a great collaboration. So yeah, so that's why I decided to invest in the brand because I believe in the brand. And you know, you... put your money where your mouth is, I think. So, yeah. And apart from that, what was the other question? What's my favorite product? Yeah. Millet noodles. Like I said, I carry it in my bag all the time. Thank you so much for the answer. But for my daughter, it's the pancakes. She loves the pancakes. Yeah. So, yeah. And yeah, by seeing you, I forgot to say my name. Actually, I'm Madhuri Krishna from Hyderabad. Madhuri. Yeah. Madhuri. Yes. Madhuri Krishna. Yep. Yeah. Hi, Madhuri. Thank you so for coming. Much. Thank you so much. Another mom? Hello. Hi, I'm Zomoy Khyangte from Aizawl, Mizoram. And you are so beautiful, especially in real life. Anyways, I have three kids. I'm a mom entrepreneur as well. My question today is, do you think good food habits makes you a positive, a more self-aware person? Yes, definitely. You are what you eat, right? They say. So it is very, very important. In fact, I feel like on any given day, if you
do decide to eat a plate of chola bhatura, you're not going to feel great the rest of the day. I guarantee that. So I mean, I'm sure you can all experience that. So it is very important to watch what you eat, only because it only if you have a healthy body can you work towards building a healthy mind. You know, and I think in today's day and age that is so important. So I completely believe in that. Thank you so much. Okay, moms, I think we have time for just those three questions. You're waving out to us. That's so sweet. And now for the moment we've all been waiting for, the launch of this wonderful community. So I'm going to hand it over to the three of you to take this forward now. You guys first? I think
Thank you.
खास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वार फिल्म। देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात ये है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरत के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहाँ आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है।
विशाल शेखर ने जय जय शिवशंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार, जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वह बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाया है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन डी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो है जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है। नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है? नंबर 2, फिल्म के आखिर में वॉर कौन जीतने वाला है? नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और? नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है? फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है? कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है?
वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कौन पकड़ा कर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कौन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेड सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज 2 दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं सब हॉलीवुड के लेवल के हैं। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे। इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पैक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो जो आते ही फिल्मों में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी क्योंकि जब करण अर्जुन आए, सलमान शाहरुख आए तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है,
वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वार फिल्म। देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात ये है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले है या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरत के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिवशंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में।
ये फिल्म दासु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन हैं जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वह बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए हैं। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन डी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो है जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वह बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि मानिक कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है। नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है? नंबर 2, फिल्म के आखिर में वॉर कौन जीतने वाला है? नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और? नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है? फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को एस्टैब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है? कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक
कॉर्न पकड़ाकर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कॉर्न दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेडली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज 2 दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं सब हॉलीवुड के लेवल के हैं। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे। इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पैक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो जो आते ही फिल्मों में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी क्योंकि जब करण अर्जुन यानी कि सलमान शाहरुख आए तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। जी 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 अजय, हाउ डज इट फील हैविंग अनुपम जी एंड नीना जी टुगेदर ऑन द सेम फ्रेम? दिस इज अमेजिंग, दिस द होल राइड सो फार विद द पोस्टर्स, द ट्रेलर हैज कम आउट एंड पीपल हैव लव्ड इट एंड सो आई एम सो thankful for all the love and especially working with these two, the finest of India. It's been a great ride. I agree. I think your film began with a ride when you sketched a poster with them on a bike or something. So tell us about that. So it all started with a poster. It was hand-drawn just to inspire me. So I put it up on the wall. It had the Shastri and Elsa riding on the bikers with a tattoo and everything. Not great at drawing. But anyways, once the picture turned out, they looked exactly like them. I eventually put it somewhere on social media. Eventually. So it was all destined to be somewhere. Yeah. Anupam ji, aapko kaise lag raha hai mere hero aaj ke film mein? First of all, we are very thrilled with the response of the trailer. वो ट्रेलर का रिस्पांस जो है वो उसकी एक वाइब होती है जो पता लग जाती है और उसकी वाइब की जो सच्ची टेस्ट जो होता है वो मीडिया से होता है। मीडिया वाले बड़े वरना हम बोलते नहीं कि सवाल शुरू करने से पहले कि ट्रेलर बहुत अच्छा था, बोलते सीधा सवाल शुरू करते। मैंने तो एक
दो लोगों से पूछा भी कि आप तो सबको बोलते हैं कैसे लगा, तो उन्होंने कहा नहीं हम हमको अच्छा लगा विच इज अ ग्रेट साइन बिकॉज उनकी आदत है रोज नए नए ट्रेलर देखने की, तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते थे कि अलग किस्म की एडवेंचर फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, वो हम उसमें कामयाब हुए। तो ये तो ट्रेलर है, अभी जब फिल्म आएगी तो फिर तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं और नीना डिस्कस कर रहे थे कुछ सीन्स जो नीना ने अभी पूरी नहीं देखी है, मैंने देख ली है और मेरे घर वालों ने भी देख ली है, नीना जी के हस्बैंड ने भी देख ली है, उनकी तरफ से मुझे लगता है सबसे बेटर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उनका बेस्ट आया। एक तो वो निकलने वाले थे बिकॉज हमारे ट्रायल स्क्रीनिंग में थोड़ा टाइम लग गया टेक्निकल वजह से, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को कहीं जाना, नहीं जाना था हमें, तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो, थोड़ी देर देख लो फिर उसके बाद चले जाना। थोड़ी देर क्या, वो पूरी पिक्चर देख के गए और बोले कि फोन आया कि मैं देख लूं, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, और फिर एंड में बोले कि इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। फिर नीना ने कहा कि हर चीज में गलती निकालते हैं ये। तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। एंड मेरी मदर ने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया, उसने कहा तू, उन्होंने 11:30 बजे रात को मुझे फोन किया पिक्चर देखने के बाद, उन्होंने कहा तू ये कैसे करता है। मैंने कहा क्या कैसे करता हूँ, दैट मीन दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट शी इज गिविंग। नीना जी, ये जो ऑडियंस नॉर्मली जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास में क्रिटिकल व्यू पॉइंट होता है, पर यूनिवर्सली क्वाइट पर यूनिवर्सली सबने लिखा है कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ अनुपम जी ट्राइंग टू रेस्क्यू अ वुमन हु इज बीन इन अ हाउस फॉर 8 इयर्स। हमने इस तरह से सब जगह देखा है, हमने नहीं किया था, नहीं हमने, मैंने सोचा नहीं था ये। हां तो कैसे लग रहा है कि लोगों के दिल तक आपकी ट्रेलर ही छू गई। हाँ, और मुझे एक, मैं अभी जैसे कमेंट्स आते हैं ना तो आदमी सोचने लगता है, कुछ और सोचने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था पिक्चर करते वक्त। तो लोगों को जो दिखता है, क्योंकि हम तो उसमें घुसे होते हैं ना रोल में, तो अभी जब ये आज इंटरव्यू जो दे रही थी तो मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि अगर ये समझो, आप ये समझ के चलो कि स्टोरी है कि कैसे शिव शास्त्री एल्सा को प्रॉमिस करता है कि तेरे को मैं इंडिया छोड़कर का टिकट का बिठा के आऊंगा, तो उस हम ये कह रहे हैं कि उसके बीच में जो स्टोरी है वो उसमें बड़ा मजा आता है, ये होता है वो होता है, लेकिन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कहीं भी कैरिकेचरिश नहीं है। क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट जब होता है कि एक शिव शास्त्री जो इतना वो है और बड़ा वो है और उन्होंने नाइट सूट पहना है और मैं अपनी धोती वो पहन के, तो कैरिकेचरिश होने की बहुत संभावना होती है, जो इसमें नहीं हुई, थैंक्स टू यू, बिकॉज इट्स सो रियल। हमारे छोटे छोटे नुआंसेस कितने रियल है, इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इनको बार बार सुसु जाना पड़ता है, यू नो, सो मेनी पीपल विल आइडेंटिफाई। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट सीन में जो इतने खूबसूरत मोमेंट अर्जुन ने बहुत ही सेंसिटिविटी से इसे डायरेक्ट किया, लिखा है, इट वॉज ईजी फॉर अस टू गेट इन टू इट, एंड ऑल्सो आई मस्ट से दैट ही इज अ वेरी लार्ज हार्टेड डायरेक्टर हु इनकॉर्पोरेट्स द सजेशंस ऑफ द एक्टर्स। वो एक कॉन्फिडेंट डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपने एक्टर्स की सजेशन सुनता है और अगर उनको अच्छी लगती है तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। नहीं नहीं, सच बात है, बहुत है। अनुपम जी, आपने शिव शास्त्री बलबाव के कैरेक्टर में क्या एडिशंस किए अपने तरफ से एज एन एक्टर? मैंने बाल लगाए। नहीं, आई थिंक बहुत सारी, क्या है कि जब ऐसी कास्ट हो जिसमें सबको एक्टिंग तकरीबन आती है तो आपको इम्प्रोवाइज करने में मजा आता है। हर सीन में लगता है कि इसमें थोड़ा सा नीना के कान में फुसफुसा दो कि ऐसे भी हो सकता है, नीना मुझे बोल दे कि इसमें ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो जो सीन है जिसमें वो बाइकर्स आते हैं हमको धमकाने के लिए, हम एक गांव में फंस जाते हैं, अमेरिकन गांव में, अमेरिका के लिए गांव इस्तेमाल करना बड़ा अजीब है मगर अमेरिका में बहुत सारे गांव हैं। सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जनरली व्हेनेवर हिंदी फिल्म्स गो इट्स ऑलवेज सेट इन सिटी, ओनली फिल्म है व्हिच इज एक्चुअली सेट इन अ गांव इन अमेरिका, यू सी लाइक इट्स जस्ट लाइक इंडिया, ऐसे ही पीपल आर, इट्स द सेम इश्यू, यू नो, पीपल आर अनएम्प्लॉयड, पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, मेंटालिटी वैसी है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने इम्प्रोवाइज की, जो हमारे मोटर बाइकर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे मगर अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक को मेरा क्या, एक को अच्छा गन पॉइंट कर, एक को ना, एक को मोटे मोटे सब तगड़े सारे, तो एक्टिंग करनी थी, फिर बाइक पे तो ठीक था, एक्टिंग करनी थी और उसको
गन लेके मुझे ऐसा करना था, गन लेके मुझे धमकाना था. वो इतना डरा हुआ था कैसे मेरे को गन ले. हमने एटलीस्ट 20 शॉट लिए उस गन से. वो ऐसा करके ना ऐसे कर ही नहीं पाता था. फिर इन्होंने उसको समझाया. मैंने कहा डोंट वरी आई एम ओके, यू कैन टच इट हियर, यू कैन टच इट हियर. बट उसमें दो जज्बात है. हाँ. एक तो ये आपने जो बोला, दूसरा ये उनको शू होने की बड़ा डर रहता है कि कहीं उनसे गलती से ज्यादा जोर से दब जाए और आप कहते हैं ये इतनी जोर से तुमने मुझे दबा दिया, आई एम सुइंग यू. तो वो उसमें आई डोंट थिंक ओनली दैट बट दे वर वेरी स्वीट. उसमें जितने भी हमने सीन्स किए उनके साथ. फिर हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो सेट पे जब होता था तो और किसी पे ध्यान नहीं जाता, दैट वॉज द स्मॉल डॉगी, ही वॉज द बिगेस्ट सुपर स्टार. मैं उसको क्या बुलाती थी, कैस्पर बुलाते थे. तो आई थिंक दिस फिल्म हैज एलिमेंट फॉर एवरीबडी. द एल्डर जनरेशन विल रिलेट विद अस, द यंगर, जो बीच की जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, जो जिसमें ये अपना जुगल हंसराज है, वो ना इधर के हैं तो सेकंड वो ना उधर के हैं, और तीसरी जनरेशन के जो हमारे पोते, मेरे पोते ने घूम किया, वो बिल्कुल अमेरिकन है. सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दैट. बट आज जो हमने बात करते करते रियलाइज किया कि इवन दो मैं इसको भगा के ले जा रहा हूँ एयरपोर्ट और इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है थ्रू आउट. अब क्या होगा, इट इज ऑल्सो दे गो टू बोलिंग एली, दे गो टू हॉट एयर बैलून में भी जाते हैं, दे लिव देयर लाइफ एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू. उसमें जितना टाइम लगना है, अब ये तो है नहीं कि उस टाइम के हमें काम भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई हमें मुफ्त में तो नहीं रहना खाना देगा, तो हम काम भी कर रहे हैं और काम के बीच में चलो ये मस्ती हो रही है तो हम भी चले गए. इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग कि अब और क्या करोगे, बैठ के रोते रहोगे या दारू पीते रहोगे ना, यू नो. कल उसने वो एंकर ने बड़ा अच्छा बोला, फिल्म में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, ब्रॉन्ज भी है और एंटरटेनमेंट भी है. नरगिस एंड शारिफ ने भी बहुत अच्छा काम किया. एंड वी मस्ट ऑल्सो से आवर प्रोड्यूसर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, बिकॉज क्या कि इतनी बड़ी फिल्म नहीं है ये, एंड टू प्रोवाइड अस विद एवरी फैसिलिटी. हमारा जो यूनिट था वो छोटा था, मगर उन्होंने जो जो आई थिंक अर्जुन ने मांगा एज ए डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर किशोर वैरियत ने, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नीता आशुतोष वाजपेयी साहब ने, हमारे प्रेजेंटर मिस्टर राठी ने, इस तरह से इतना आयाम स्थापित किया है. ये पूरी टीम का टीम वर्क एक जीता जागता उदाहरण है. और खाना जो हमको लोगों के घरों में न्यू जर्सी में, जो हर गांव में भी, दूर गांव में भी एक इंडियन फैमिली होती थी एंड अपने घर से खाना लेकर आते थे, पकवान लेकर आते थे, लस्सी लेकर आते थे, बहुत इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस. और अगर आपने फिल्म की शूटिंग में ग्रेट एक्सपीरियंस किया है तो वो फिल्म में भी नजर आता है. हमेशा हमेशा. व्हेन यू आर टेकिंग बैक होम समथिंग फ्रॉम शिव शास्त्री बलवो, व्हाट इज इट दैट यू आर टेकिंग बैक सर? दैट इट्स ओके टू फॉल डाउन एज लॉन्ग एज यू गेट अप. व्हाट अबाउट यू मैम? कितनी भी मुश्किल हो, हल हो जाएंगी. होप रखो. Exactly, I think I echo the feeling same. It's the hero within, the Rocky Balboa inside you. Everybody has a hero. And you sometimes see it is somewhere else, but actually the hero is within you. So it's a quest of finding your hero which is inside you. And its life is not only slice of life, it can also be spice of life. Yes. Could you please request everyone to watch the film on February 10th in the cinema? Ji, bahut aapse iltija hai, guzarish hai, haath jodkar prarthna hai कि आप 10 फरवरी को हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबोआ रिलीज हो रही है, जो अजन जी ने डायरेक्ट की है और हमने और इन्होंने और जो आप इस समय यहाँ नहीं है उनमें उसमें काम किया, आप जरूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी. आप परिवार के साथ देखो ना. हाँ, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं. और ओटीटी का वेट मत करो. हाँ, फरवरी 10th को थिएटर्स में है इंडिया में सब जगह ना. यस, थैंक यू. देख के मुझे कमेंट्स बताना इंस्टाग्राम में कैसी लगी, ये बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. अरे स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब वो भी ऐसा स्पाइस खतरनाक. बहुत बहुत मजेदार. जब हमारी फिल्म में एंट्री होती है, जब इनकी फिल्म में एंट्री होती है तो और एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड कर देती हैं. बहुत बहुत इनफैक्ट जब ये शूट पर भी आती हैं तो मतलब द माहौल अराउंड बिकम्स वेरी स्पाइसी. वो
What excited you about the character? Oh my gosh, I loved my character, Sia. She was a fun, bubbly, loving character. But I think the best part was that I got to be alongside this character, Cinnamon Singh. And when you guys see the movie, you'll understand why. And of course, reading the entire script, the story was just amazing, like real, relatable, and original. So I knew that I wanted to be a part of this film. How was it playing Cinnamon Singh's Nicole Kidman? Oh my gosh, I really enjoyed playing your Nicole Kidman. इसका मतलब मैं टॉम क्रूज हूँ? बाप रे! तो देसी टॉम क्रूज जी, और बताइए, फिल्म में एक्साइटिंग क्या हुआ था? कुछ घटनाएं हुई जो आपको मजा आया? एक्साइटिंग एक्चुअली, क्योंकि हम तो काम में ही इतना इन्जॉय कर रहे थे और जो सीन्स थे वही इतने मतलब फन वाले थे कि उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज़ तो हुई नहीं. और हमने बहुत जो सीन्स थे उसमें बहुत इन्जॉय किया बाई शूटिंग द फिल्म. बहुत मज़ेदार रहा पूरा एक्सपीरियंस जो था. मैं तो हम तो गाने वाने गाते रहते थे बिटवीन शॉट्स और मस्ती करते थे. ऐसे एक ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं है कि कुछ यू नो यू आर लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन दिस फिल्म. व्हेन यू कम इन यू चेंज द होल कलर करेक्शन हो जाता है. द कलर करेक्शन, दैट्स ग्रेट. द कलर करेक्शन, दैट्स वेरी फनी. सो हाउ डज इट फील हैविंग दैट काइंड ऑफ ऑरा, दैट काइंड ऑफ वाइब? बिकॉज़ टू हैव अ एक्ट्रेस इज ओके, टू हैव अ प्रीटी एक्ट्रेस इज नाइस, बट टू हैव अ एक्ट्रेस विद एन ऑरा ऑफ हर ओन इज वेरी डिफिकल्ट. ओह, दैट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू वेरी मच. वाओ, सुपर. I heard that I was special since I was little, but it makes me happy to know that I could bring something like that to the table and to color correct or brighten up something or spice it up. The mahal, yeah. I just like spiced up the mahal. Yeah, I mean, what can I say? I'm glad that you can see that on screen. We do, yes. Yeah, absolutely. Yeah. Yes. And what would you call him since he calls you Nicole Kidman? He would be my desi Tom Cruise. So please, Nicole Kidman and Tom Cruise of India, ask people to come to the theater on February 10th and watch after. Please, 10th Feb को फिल्म रिलीज़ हो रही है हमारी, जिसका नाम है शिव शास्त्री बालबोवा, और आपके सारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. प्लीज़ जाइए, देखिए, दोस्तों को ले जाइए, परिवार के को लेकर जाइए, सबको लेकर जाइए. सब साथ में बैठ के देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं. बड़ी प्यारी सी, स्वीट सी, क्यूट सी फिल्म है. Yes, please come watch us. You'll definitely enjoy it. You won't regret it, I promise you. थैंक यू. और एक चीज़ बोल दूँ मैं इसके अंदर, जो अनुपम नीना नरगिस शारिब से करे प्यार, वो शिव शास्त्री बालबोवा से कैसे करे इनकार. Wow. How can they say no to all Shiv Shastri Bhagwa if they all, you know, love us? Yes, exactly. Wonderful. Thank you. सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार. जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में. ये फिल्म धासु एक्शन फिल्म है. इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे. पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है. वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है. कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है. अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है. खालिद बेहद जाबाज एजेंट है. सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दो पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है. क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा. ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं. भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से. ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है. एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं. वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है,
मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है, मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वार फिल्म। देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले है या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है, हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है, आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार, जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है, इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है, वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए हैं।
हैं, क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि माणिक कपूर का इस फिल्म में क्या काम है? इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है, मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर तो लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है, नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है? नंबर 2, फिल्म के आखिरी में वॉर कौन जीतने वाला है? नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और? नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है? फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है, तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है? कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है? क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कौन पकड़ा कर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कौन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर ने कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है।
डैनियल भी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की, तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेडली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज 2 दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, सब हॉलीवुड के लेवल के हैं। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे। इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान, और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए, क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पेक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो, जो आते ही फिल्म में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी, क्योंकि जब करण अर्जुन आए, सलमान शाहरुख आए, तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे। और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है, जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वो खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? ये इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेंज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाले कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो के भी हीरो लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों से भी कुछ जगहों पर भारतीय के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्य में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है।
अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, सिर्फ एक्शन नहीं दमदार सस्पेंस थ्रिलर है। ऋतिक टाइगर की वार फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह ये थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन्स की भरमार कर दी गई थी और इलिवेसी के नाम पर ट्रेलर नील बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमेक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार एंगेज किए रहते हैं वो ये है, पहला है वार आखिर किन के बीच हो रहा है, दूसरा है फिल्म के आखिरी में वार कौन जीतने वाला है, तीसरा है विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और, चौथा है क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस है और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को स्टेबलिश करने में वक्त नहीं लगाती है और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लथुरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लथुरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर करीब ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है तो ये सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वो क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले है या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला अपने हाथ में एक फोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव से जीत लिया है। डेनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुछ मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ से फिल्माए गए सीन्स में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल एक्शन दिखाती है और जहाँ तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। सुपर क्लास एक्शन और ब्लॉकबस्टर है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वार। जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। ये फिल्म धांसु एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी है कि कबीर नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वो बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफिया गिरी के दाव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए हैं। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यहाँ इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वह इस बात पर है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन भी एक्शन फिल्म कहते हैं।
भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होगा, तो यहाँ तो कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वॉर बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के एक ऐसे हीरो है जो तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी हीरो भी हीरो ही लगते हैं। धूम 2 में ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिर सवाल यह है कि मानिक कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं, वैसा ही इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, दमदार सस्पेंस थ्रिलर है ऋतिक टाइगर की वॉर। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म की कहानी। फिल्म वॉर का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज्यादातर तो लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रेविलेंस के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की, वो यह है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है, जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये है। नंबर 1, वॉर आखिर किन के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में वॉर कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें इमोशंस और एक्शन भी है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती और पहेलियां भी। फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लुथरा भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान को कर्नल लुथरा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के ऑर्डर्स है, तो यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया है। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया है, क्या टाइगर श्रॉफ ये वॉर जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन, कहानी का असली विलन कौन है, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजों पर। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालात में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कौन पकड़ा कर दूसरी छीन लेता है और बाद में वही कौन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का रोल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल बी जॉर्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म वॉर एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की, तो वह बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आती है, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी किया है। पठान की अपार सफलता के बाद अब बारी है वॉर 2 की। इस बार कबीर के साथ पठान भी आएगा नजर। स्पाई यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब तैयार हो चुकी है।
उसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में रिलीज हुई पठान फिल्म। पठान फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने सिंगल हैंडेडली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ने महज दो दिन में 220 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास लिख दिया है। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में आएगी। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पे काफी फोकस दे रहा है। स्पाई यूनिवर्स को हम सब की सोच से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पठान में हमने देखा कि कैसे फिल्मों में एक्शन सीन आजमाए गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। जब अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी दमदार फिल्म कोई बॉलीवुड बना सकता है। फिल्म का एक्शन, फिल्म में जो जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, सब हॉलीवुड के लेवल के है। पठान फिल्म में कई सारी हिंट दे दी गई है जिससे साफ है कि अब वॉर 2 फिल्म भी आने वाली है। लेकिन इस बार वॉर 2 में सिर्फ कबीर यानी कि ऋतिक रोशन नहीं होंगे, इस बार कबीर का साथ देंगे शाहरुख खान यानी कि पठान, और हो सकता है कि ये फिल्मों में टाइगर यानी कि सलमान खान भी नजर आए क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि पठान फिल्मों में कैसे शाहरुख खान को सलमान खान बचाने आते हैं और उनको रशियन गुंडों से छुड़ाकर उनको आजाद करते हैं। यहाँ तक कि पठान में सबसे ज्यादा इम्पेक्टेबल कोई था तो वो था सलमान खान का कैमियो, जो आते ही फिल्म में जान आ जाती है। इसलिए यशराज, स्पाई यूनिवर्स में किसी भी एक्टर की फिल्म होगी इनमें दूसरे स्पाई को भी अच्छे खासे रोल देगा। इसलिए वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी नजर आएंगे और ये फिल्म इतिहास रचेगी क्योंकि जब करण अर्जुन आए, सलमान शाहरुख आए तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब वॉर 2 में तीनों एक साथ आएंगे तो क्या नजारा होगा। वैसे भी बता दें कि जब वॉर की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये फिल्म को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि वॉर अभी रुकी नहीं है, आगे भी वॉर 2 वॉर 3 पार्ट आते रहेंगे। लेकिन तब स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली पठान के ट्रेलर के दिन स्पाई यूनिवर्स का अनाउंसमेंट किया गया था। इसी के साथ ही ये फिल्म को अब बड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि वॉर फिल्म 300 करोड़ कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म काफी दमदार थी और फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले थे और वॉर फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाई थी उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म बनाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वॉर 2 को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।